अज साढ़े पंजाब रोडवेज के पी आर टी सी के 27 डिपुआ के गेटा से गेट रैलियां की गई ने। 15 अगस्त को जिते मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान पटियाले आजादी दिवस मनाएंगे उत्थे असीं गुलामी दिवस मनाने का ऐलान किया गया क्योंकि असीं अपने आप में इन्हां महकमें दे विच गुलाम महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो सत्ता दे विच आई सी इन्होंने बड़े वड्डे वड्डे वादे ते दावे किए सी कच्चे नाम का जो शब्द है इन्हें खत्म कर देंगे। हालात उवें दे उवें ने, तकरीबन 2 साल सरकार नूं बीत गए ने। सरकार सिर्फ बैनर ते इश्तहारबाजी तो अलावा कुछ नहीं कर सकी। अध्यापकों के नाल जिहड़ा कोझा मजाक किया गया तनखाह वादे नूं पक्के करना दस्सिया गया गा। साढ़े महकमे के अज हालात यह बने हुए हैं कि महकमा खत्म होने के कंधे ते है। साढ़े कोल गड्डियां दे थले लाउण नूं टायर नहीं है, स्पेयर पार्ट साढ़े कोल नहीं आ। मैनेजमेंट रोज़ बर रोज़ जिहड़ी आ गई कच्चे मुलाजमान नूं तंग परेशान कर रही है। जदों गड्डी दे विच स्पेयर पार्ट पूरा नहीं आ उहदी एवरेज कित्थों आउणी आ। डर दियां सवारियां बसां विच नहीं चढ़ रही क्योंकि बसां दे रोज़ टायर फट रहे हैं। बसां की बुकिंग घट आ गई, कंडक्टर ड्राइवरां नूं तंग परेशान किया जा रहा है। तो मजबूर हो के असीं 14, 15, 16 तीन दिन की हड़ताल कर जा रहे हैं ते 15 तरीक नूं मुख्यमंत्री पंजाब दा कालियां झंडियां लैके पटियाले विरोध करांगे। कोई भी हड़ताल होंदी है खास तौर पर ट्रांसपोर्ट की तो आम लोगों को बहुत बड़ियां दिक्कतां होंदियां ने, पर ये दिक्कतां कितें ना कितें सरकार दे करके ने। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह वड़ैच है, मैं पणबस पी आर टी सी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन लुधियाना डिपू का जनरल सकत्तर हाँ। अज साढ़े पंजाब रोडवेज के पी आर टी सी के 27 डिपुआ के गेटा से गेट रैलियां की गई ने क्योंकि 15 अगस्त को जिते मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान पटियाले आजादी दिवस मनाएंगे उत्थे असीं गुलामी दिवस मनाने का ऐलान किया गया क्योंकि असीं अपने आप में इन्हां महकमें दे विच गुलाम महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो सत्ता दे विच आई सी इन्होंने बड़े वड्डे वड्डे वादे ते दावे किए सी कि असीं कच्चे नाम का जो शब्द है इन्हें खत्म कर देंगे, पर हालात उवें दे उवें ने, तकरीबन 2 साल सरकार नूं बीत गए ने। सरकार सिर्फ बैनर ते इश्तहारबाजी तो अलावा कुछ नहीं कर सकी। अध्यापकों के नाल जिहड़ा कोझा मजाक किया गया तनखाह वादे नूं पक्के करना दस्सिया गया गा। साढ़े महकमे के अज हालात यह बने हुए हैं कि महकमा खत्म होने के कंधे ते है। साढ़े कोल गड्डियां दे थले लाउण नूं टायर नहीं है, स्पेयर पार्ट साढ़े कोल नहीं आ। मैनेजमेंट रोज़ बर रोज़ जिहड़ी आ गई कच्चे मुलाजमान नूं तंग परेशान कर रही है। जदों गड्डी दे विच स्पेयर पार्ट पूरा नहीं आ उहदी एवरेज कित्थों आउणी आ। डर दियां सवारियां बसां विच नहीं चढ़ रही क्योंकि बसां दे रोज़ टायर फट रहे हैं। बसां की बुकिंग घट आ गई, कंडक्टर ड्राइवरां नूं तंग परेशान किया जा रहा है। सो मजबूर हो के असीं दोबारा जिहड़ा संघर्षां दी राह ते पए आ। पिछले लंबे समय तो जिहड़ी आ गई साडियां मंगां जिहड़ियां मन्नियां जा चुकियां सी, 5% तनखाह दा वाधा होवे, जिहड़े साथी साडे नजायज़ कंडीशन गए कढ़े गए ने उहनां नूं बहाल करन दी गल होवे, उह सारा जिहड़ा गा उह रोकिया होया मैनेजमेंट ने। सो मजबूर हो के असीं 14, 15, 16 तीन दिन की हड़ताल कर जा रहे हैं ते 15 तरीक नूं मुख्यमंत्री पंजाब दा कालियां झंडियां लैके पटियाले विरोध करांगे। बिल्कुल जी, देखो जदों कोई भी हड़ताल होंदी है खास तौर पर ट्रांसपोर्ट की तो आम लोगों नूं बहुत वड्डियां दिक्कतां आउंदियां ने, पर ये दिक्कतां कितें ना कितें सरकार दे करके ने क्योंकि असीं तकरीबन 1 महीना पहलां नोटिस सरकार नूं दित्ता सीगा कि साडियां जिहड़ियां मंगां जिहड़ियां मन्नियां जा चुकियां ने उहनां नूं टेबल टॉक करके उहनां नूं हल कर दित्ता जावे, पर अज तकरीबन 25 तो 26 दिन बीतने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने उन्होंने मंगा हल करने वाले पास नहीं सोचा है। सो असी मजबूर होकर हड़ताल के रस्ते। सर लगता कि मीटिंग हर बार होंगे वा फिर हड़ताल वापस ला लेंगे फिर तो हड़ताल शुरू हो जाती है कि चक्कर की है मीटिंग? देखो सरकार सत्ता के आने के समय से इन्होंने बड़े वड्डे वड्डे वादे किए कि असी जे कारपोरेट घराने ने इन की दखलअंदाजी जो सरकारी इदारियों खत्म करा, पर कि ना कि देखने जो मिल रहा है जोड़ा लोगों ने इन्हों वोटों के टाइम पर फंडिंग की सी उन्होंने लाहा देने वास्ते रोडवेज़ से पी आर टी सी का निजीकरण किया जा रहा, किलोमीटर स्कीम बसा पाई जा रही ने। विधानसभा के मुख्यमंत्री पंजाब कहते हैं कि आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी, तो जबकि साढ़े महकमे के तकरीबन 1000 मुलाजम 9200 रुपये के उत्ते आउटसोर्स राही भर्ती किया। सो सरकार जी है कहनी तो कथनी बहुत फर्क आ जिस करके मुलाजम वर्ग जिहड़ा हैगा उह सड़कां ते। सतनाम सिंह सर डीपू लुधियाना तों। सर अज फिर तो जिहड़ी गेट रैली की गई है की कारण ते की अगला जिहड़ा एक्शन लिया गया? अज जिहड़ी साडी गेट रैली आ असीं पिछले समय दौरान सरकार नूं नोटिस भेजा सी वी जिन्ने भी कच्चे मुलाजम आ साडे उहनां नूं पक्का किया जावे, जिहड़ियां मारू कंडीशनां ला के जिहड़े वर्कर साडे ड्यूटियां तों कढ़े गए जिहड़ियां नजायज़ कंडीशनां लाईआं उहनां नूं रद्द करके सारे वर्करां नूं इक वारी ड्यूटी ते लिया जावे।
इस संबंध में असं अज जी गेट रैली की गई। अगला की एक्शन होनी क्या अगला साडा जो तरीक आ भी 14, 15 ते 16 तरीक की 3 रोज़ा स्ट्राइक आ। 14 तरीक में असं बसा बंद करके जिन्हें भी डिपो के रोस प्रदर्शन करा तो 15 तरीक में मानयोग मुख्यमंत्री साहब जिथे भी झंडा लहराउणगे उत्थे असीं जिन्नियां वी आपणियां मंगां ते उह सरकार ने साडे नाल वादे कीते सी वी कच्चे मुलाजम पक्के करांगे उह उहनां दे संबंध विच उहनां नाल उत्थे गल्लबात सांझी कीती जाए। सर सर किन्नियां जिहड़ियां 3 दिन पूरे 24 घंटे बसा जिहड़ियां बंद रहणगे ते किन्नियां जिहड़ियां पूरे पंजाब भर ते बसा बंद रहणगे किन्ने वी मुलाजम हड़ताल ते रहणगे टोटल जिन्ने वी मुलाजम आ पन बस पी आर टी सी दे 27 दे 27 डिपू उह बंद रहणगे जी। लगभग 6600 दे करीब मुलाजम आ जिहड़े असीं हड़ताल ते जा बसा जिन्नियां भी 2700 के करीब लगभग पंजाब दे विच गड्डियां पी आर टी सी बंद लोगों को भारी दिक्कत आऊगी क्योंकि छुट्टिया का भी जो समा वा लोग अपने घर जाते क्योंकि 14, 15, 16 छुट्टी होंगी जी। असं ये छुट्टिया का जान लोगों को दिक्कत आऊगी उस चीज़ की असं माफ़ी चाहते हैं। ये संबंध में असं 1.5-2 महीने जो असं नोटिस दिता सी भी सरकार साडियां मंगां वल ध्यान देवे तो जिहड़ी लोगों को परेशानी वह ना झलनी पवे सानू भी जो मजबूर हो गए यहोजे एक्शन लिखने पेंदे आ क्योंकि लंबे समय तो साढ़े जिहड़े मुलाजम 15-15 सालों तो असं कच्चे काम करते आ रहे हैं वो संबंधी असं पहला नोटिस देकर सरकारों जागरूक कर।